से यहाँ पर पटवारी के घर लोकायुक्त पुलिस का छापा पड़ा है। डर की वजह से पटवारी ने खुद को बाथरूम में बंद किया। रुश्वत की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। बहुदापुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर में पटवारी का घर बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पटवारी का घर बहुदापुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर में है, जहां पर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्वत की शिकायत मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। घंटे से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी नहीं खुल रहा है। इसकी जानकारी हम लोग राजस्व अधिकारियों को भी कर दी, इनके जो अधिकारी हैं, और अधिकारियों का आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। नहीं खोलेंगे तो राजस्व अधिकारी खुलवाएंगे, अब दरवाजा तोड़ के पंचनामा बनेगा जो भी है, लेकिन अभी रिश्वत ले ली है और दरवाजा बंद कर रखा है। और सुशील कौशिक जी मीडिया संवाददाता हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुशील, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है, छापेमार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। अभी क्या दरवाजा खोल दिया है पटवारी ने, और इस पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और लोकायुक्त की टीम, इसके साथ ही राजस्व अधिकारियों का हमला जब मौके पर पहुंचा था, उसके बाद पटवारी को बाहर निकाला गया है बमुश्किल। और अब इस रिश्वत कांड की जो है कार्रवाई चल रही है, पटवारी से पूछताछ की जा रही है, उसके हाथ भी धुलवाए जाएंगे। चूंकि जो पटवारी है रामनिवास जोनवाल, उनके ऊपर आरोप है, जितेंद्र पांडे नामक भी किसान है, उससे 1000 रुपए इन्होंने रिश्वत ली थी, 4000 रुपए इनकी जमीन की पुस्तिका बनाने के नाम पर मांगे थे। और आज जैसे ही जितेंद्र पांडे किसान ने जो है इनके बहोड़ापुर स्थित श्रीनगर के आवास पर रिश्वत थमाई, तो ये भागकर अंदर चले गए थे लोकायुक्त की टीम को देखकर, और बाथरूम के अंदर इन्होंने पैसा जला दिया था, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। उसके बाद लोकायुक्त की टीम लंबी देर पर खड़ी थी, उसके बाद बहोड़ापुर पुलिस और राजस्व अधिकारियों का हमला भी यहाँ मौके पर पहुंचा, और पटवारी को बाहर निकाला गया है, और अब अगली कार्रवाई जो है लोकायुक्त और पुलिस की टीम कर रही है। सुशील, क्या किसी और मामले में भी पटवारी के खिलाफ पहले शिकायत लोकायुक्त के पास पहुंची थी और काफी मशक्कत करनी पड़ी? तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो परिवार वाले हैं वो भी पटवारी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और लोकायुक्त पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस भी बिल्कुल सही बात है, लोकायुक्त पुलिस को आज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही पटवारी के घर में लोकायुक्त पुलिस पहुंची तो पटवारी रिश्वत लेने के बाद बाथरूम में घुस गया, उसके बाद जब बाथरूम से निकालने का प्रयास किया लोकायुक्त पुलिस ने और बहोड़ापुर थाने की पुलिस ने, तो पटवारी की पत्नी ने काफी हंगामा मचाया, कि बेटे ने भी काफी यहाँ पर विवाद किया पुलिस से, और विध्वंस में जैसा कि दिख रहा है साफ तौर पर महिला पुलिस कर्मी जो है इस पटवारी की पत्नी को बाहर निकाल रही थी, उस दौरान भी इन्होंने काफी गाली गलौज और अभद्रता की है, मीडिया के साथ भी इस पूरे परिवार ने बदतमीजी की है। इसके अलावा पुलिस इस पटवारी से पूछताछ करेगी, हो सकता है कि पिछले और कोई मामले रिश्वत के रहे, लेकिन पहली जो शिकायत थी ये जितेंद्र पांडे नामक किसान ने की थी, और उसकी तस्दीक के बाद जो है आज टेप का आयोजन किया था लोकायुक्त ने। तो कुल मिलाकर ये जो रिश्वत का मामला है ये तो तय है कि पटवारी ने 4000 की रिश्वत मांगी थी, और उसमें से 1000 की पहली किस्त आज दी गई थी। ओके, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम यहाँ पर पहुंची। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए, लौटेंगे सुजला हम आपके पास। तो रिश्वत लेने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की, और काफी मशक्कत लोकायुक्त पुलिस को यहाँ पर करनी पड़ी। बाथरूम में बंद कर लिया था पटवारी ने खुद को, हालांकि बाद में अपडेट यही है कि निकाल लिया गया है पटवारी को बाथरूम से बाहर, और आगे की कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक।